के चनाब कॉलेज चिन्यूट में जश्न आजादी के हवाले से तकरीब हुई है। नन्हे बच्चों में मिली नगमों और तरानों पर टैबलोस पेश किए गए हैं। प्रिंसिपल चनाब कॉलेज असलम साजिद कहते हैं कि 14 अगस्त तजदीद अहद का दिन है, हमें वतनी अजीज की खुशहाली के लिए इकदाम करने होंगे। बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा इस तकरीब के हवाले से। यहाँ पर रंगारंग जो तकरीब है ये जारी है, जहाँ पर बच्चे बड़े सब जो है वो इंतहाई जो है वतन की मोहब्बत से सरशार हैं और यहाँ पर टैबलोज पेश किए जा रहे हैं, तकारीर की जा रही, मोहब्बत का इजहार इंतहाई जो है वो जोश जज्बे से किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल चनाब कॉलेज असलम साजिद साहब। सर बताइएगा, जश्न आजादी के मौके पर क्या पैगाम देना चाहिए? आज का जो फंक्शन है ये पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत है, इजहार अकीदत है और तजदीद अहद का दिन है कि पाकिस्तान जिसने हमें छांव पर की, हमें मोहब्बत दी, हमें हिफाजत दी और हमें हर दुनिया की हर नेमत मुहैया की, उसके लिए उसके बका के लिए ये कौम, ये इदारा, यहाँ के तलबा किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और इंशाल्लाह वतन अजीज को यहाँ से बेहतरीन पाकिस्तानी मुहैया करेंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से इनका ये कहना है कि हमारे बुजुर्गों ने जो है वो लाखों कुर्बानियों के बाद वतन अजीज को हासिल किया है और हम इस दिन की मुनासिबत से ये अहद करते हैं कि जो है वो पाकिस्तान की जो सरजमीन है इसको जो है वो खुशहाल बनाएंगे। इस पर जो है वो नौजवान नस्ल को इस हवाले से उनको आगाह किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो कैसे कुर्बानियां देकर जो इस पाक सरजमीन को हासिल किया, इस हवाले से इनका ये कहना है कि हम आज के दिन जो है वो अहद करते हैं कि जो है वो मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए जो इकदाम करेंगे। इनको जो है वो बच्चों बड़ों सबको उनको बताया जा रहा है कि कैसे जो है वो जिसने आजादी के दिन को मनाना है। तो आज चनाब कॉलेज चिन्यूट में एक रंगारंग तकरीब मनाई जा रही है जिसमें बच्चे बड़े सब जो है पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है वो तकारा की जा रही है, मिली नगमे पेश की जा रहे हैं, मिली नगमों पर नन्हे बच्चों की परफॉर्मेंस देकर जो है वो शायकीन यहाँ पर जो है वो इंतहाई जो है वो एक पूर्व मुसरत माहौल यहाँ पर